कानपुर सिटी के लिए मेट्रो रेल परियोजना सबसे महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण परियोजना है। ये समय पर पूरा हो और उसका समय पर संचालन एवं यातायात दबाव को कम करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है और ये शहर में वाहनों को प्रदूषण को कम करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। स्थानीय प्रशासन द्वारा समय समय पर यूपी मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के सामने आने वाले छोटे मुद्दों और समस्याओं को हल करने के लिए नियमित समीक्षा और क्षेत्र का भ्रमण और निरीक्षण किया जा रहा है। आपको बता दें कि कमिश्नर ने आज पॉलिटेक्निक के पास मेट्रो डिपो, वर्कशॉप और आईआईटी कानपुर स्टेशन कार्यस्थल का निरीक्षण किया। बता दें कि मेट्रो के काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ट्रायल रन नवंबर 2021 के महीनों में किया जाएगा और वाणिज्य परिचालन जनवरी 2022 तक शुरू करने की कार्य योजना है। कानपुर के लिए 40 ट्रेनों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये संख्या अगले 20 वर्षों के लिए पर्याप्त है। अगर आगे अतिरिक्त आवश्यकता हो तो ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मेट्रो रेल के सहयोग से सिटी बस समस्त मेट्रो स्टेशन शल्टर सिटी बस सेवा प्रारंभ करने के लिए कार्य योजना तैयार कर रही है। प्राथमिकता खंड आईआईटी से मोतीझील के लिए सभी मेट्रो स्टेशनों के लिए शटल बस सेवा उपलब्ध होगी। इसके लिए कमिश्नर ने एमडीसीटी बस और पीडी मेट्रो को निर्देश दिया है कि आम जनमानस से सुझाव प्राप्त करने के लिए सभी मेट्रो स्टेशन के पास के सभी क्षेत्रों में एक हाउस टू हाउस सर्वे किया जाएगा ताकि लोगों को मेट्रो का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा सके। न्यूज़ प्लस के लिए कानपुर से अविरल गुप्ता की रिपोर्ट।